अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ुहैब अतीक साथ बकार रियल उस्ताद की एक नई एपिसोड के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस दिए हैं उसको इंशाल्लाह एलैबोरेट करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा और इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही रिसेंटली अभी तकरीबन 2-3 दिन पहले बजट के हवाले से काफ़ी सारी न्यूज़ थी, अब बजट के फिगर्स आ चुके हैं जो कि प्रपोज्ड हैं। एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अभी तक इम्प्लीमेंटेड नहीं है, मगर सबसे पहले साथ भी थोड़ा सा अगर हम 2-3 गवर्नमेंट्स पीछे चले जाएँ और हिस्ट्री में आप लेके जाके हमें ये बताएं कि पहले किस तरीके के टैक्सेस थे और उसकी क्या इम्प्लीकेशन थी मार्केट के ऊपर, और अब के टैक्सेस से आप क्या आगे देखते हैं, थोड़ा सा ये बता दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। बजट फॉर द ईयर 2022-23 बाय रियल उस्ताद। अगर हम जरदारी साहब की गवर्नमेंट में चले जाएं, जो कि तकरीबन 2008 से 2013 का पीरियड था, तो उसके वक्त गेन टैक्स तकरीबन 0.5% से लेके 1% लगता था आवाम के ऊपर, और अगर एडवांस टैक्स आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो 1% से 2% आपको ये लग रही होती थी। ये तकरीबन 2 साल के लिए चलता था, पहले साल में और दूसरे साल में। अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी, आपने पहले साल में बेच दी तब भी आपको ये गेन टैक्स देना पड़ेगा, और दूसरे साल में बेच दी तब भी देना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट आई नून लीग की, नवाज शरीफ साहब की, और ये तकरीबन टर्म है 2013 से लेके 2018 तक का। उसके अंदर इसहाक डार साहब की पॉलिसीज़ आई मार्केट के अंदर, जो प्रपोज़ किया इन्होंने उस टाइम के ऊपर। इन्होंने कहा कि अगर आप पहले साल में प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो आप उसके ऊपर 10% टैक्स देंगे, अगर आप गेन टैक्स देंगे। अगर आप दूसरे साल में बेचेंगे तो उसके ऊपर 6% गेन टैक्स देंगे, और अगर तीसरे साल में आप बेचेंगे उसे तो आप उसके ऊपर 4% गेन टैक्स देंगे। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ, लोगों ने बातचीत की, और बात करने के बाद फाइनली ये टैक्स आ चुका था 1% फाइलर के ऊपर और 2% गेन टैक्स नॉन फाइलर के ऊपर। साथ ही साथ में ये भी बताएं कि ये फिर उस टाइम के ऊपर मार्केट के हवाले से थे कैसे, मतलब जो जरदारी गवर्नमेंट के टैक्सेस थे उसमें मार्केट बेहतरी की तरफ जा रही थी, और इसके अंदर फिर क्या था? जो जरदारी साहब की गवर्नमेंट थी उससे पहले रियल इस्टेट का बूम तकरीबन 2004-05 में लोगों ने देखा था, और बहुत ज़बरदस्त बूम आया था पाकिस्तान की रियल इस्टेट में, और इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ आई थी। उसके बाद मार्केट ठंडी थी, तकरीबन 6, 7, 8, 9, 10, 11 में कुछ ना कुछ मार्केट हल्की फुल्की रिवाइव करना शुरू की, लेकिन ख़ास तौर पर जब ये जरदारी साहब का टाइम आया तो रियल इस्टेट ने इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई, और उस ग्रोथ को आज भी याद किया जाता है अच्छे लफ्ज़ों में। लेकिन जब ख़ास तौर पर PMLN की गवर्नमेंट आई तो ये गवर्नमेंट रियल इस्टेट प्रो नहीं है या बिजनेस प्रो नहीं है। ये गवर्नमेंट ज़्यादातर कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस ले लें, सड़कें बना दें, फ्लाईओवर बना दें। तो इस टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रियल इस्टेट वाइज डिप्रेशन मार्केट में देखा गया था। ख़ास इस टाइम के ऊपर बहरिया टाउन कराची आया था, क्योंकि कराची के अंदर सिंध की गवर्नमेंट यानी सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की थी, तो वहाँ पर ज़रा मामला बेहतर रहे थे, सारी मार्केट उस तरफ मूव कर गई थी, लेकिन ओवरऑल रियल इस्टेट के ऊपर सन्नाटे थे, मार्केट कमज़ोर थी। आगे अब बढ़ते हैं इमरान खान दौर की तरफ। अभी नून लीग के दौर के अंदर ये एडवांस टैक्स तकरीबन 2% और 4% था फाइलर नॉन फाइलर के ऊपर, और स्टैम्प ड्यूटी 1% 2% थी। ये इन्होंने नहीं इंट्रोड्यूस करवा दी थी। फिर उसके बाद 2018 से लेके 2022 तक तो डेफिनेटली जो बजट दिया गया है वो खान साहब की गवर्नमेंट ने दिया था। तो 2018 से 2022 के ब्रैकेट में जब खान साहब आए तो खान साहब ने गेन टैक्स को 1% 2% ही रहने दिया था, लेकिन उसकी अप्लायंस तकरीबन 5 साल तक कर दी थी। इस तरीके से एडवांस टैक्स तकरीबन 1% और 2% कर दिया था, 2-4 से कम कर दिया था, ताकि लोग आसानी से प्रॉपर्टी को खरीद सकें। और मार्केट के अंदर एक एमनेस्टी स्कीम रियल इस्टेट आ गई थी कि आप कुछ भी आएँ तो भैया आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, आप जितना मर्जी पैसा लाएँ आपसे आपको टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। उससे पहले भी खान साहब ने काले पैसे को सफ़ेद करने की स्कीम्स निकाली थी एमनेस्टी इसी तरीके से। तो ये वो टाइम था कि जिसके ऊपर रियल इस्टेट ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का बूम किया और मार्केट ने बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी। लेकिन इसी टाइम के ऊपर डॉलर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ, पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें बहुत महंगी हो गई, अदवायात और उसके अलावा डीजल, एवरीथिंग गॉट वेरी एक्सपेंसिव, मेडिसिन, सब चीज़ें एक्सपेंसिव हो गई। फिर जब ये गवर्नमेंट दोबारा अब आ गई है रमज़ान के बाद, हमने ये देखा कि पिछली गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया इस पर्टिकुलर PDM गवर्नमेंट ने। PDM गवर्नमेंट का जो सरसरे फहरिस्त आदमी है, जो उसका प्राइम मिनिस्टर है, वो PMLN के शहबाज शरीफ साहब हैं, और मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये बजट दिया। इस बजट के अंदर इन्होंने जो नई बात ये की कि अगर आपके पास अपने घर के अलावा कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, या फिर अगर आप रेंट पे रहते हैं और कोई और इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 2.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, तो फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर उस गवर्नमेंट ये मान लेगी कि फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर अगर 3 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब ये है कि आप सालाना उससे 15 लाख रुपये रेंट ले रहे हैं, चाहे कि ले रहे हैं या नहीं ले रहे, गवर्नमेंट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 1% साल का
क्या आपको उस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, यानी 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसके ऊपर आपने 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे, इरिस्पेक्टिव आप उसके ऊपर क्या कमा रहे हैं, वो घर की खातून के नाम पे है या किसी बच्चे के नाम पे है या किसी बड़े के नाम पे है, चाहे आपके पास जितनी मर्जी प्रॉपर्टी है, लेकिन इससे आपका अपना पर्सनल घर एग्जेम्प्ट है। ठीक है। उसके अलावा अगर आप प्रपोज्ड है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो पहले साल में 15% टैक्स आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर गेन टैक्स लगेगा, अगर आपको उसको दूसरे साल में बेचते हैं तो 2.5% कम हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो 6 साल तक 6 छठे साल के अंदर 2.5% रह जाएगा, और अगर 7वें साल में उस प्रॉपर्टी को आप बेच रहे होंगे तो उसके ऊपर कोई गेन टैक्स नहीं होगा। अगर प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे होंगे तो आप उसके ऊपर एडवांस टैक्स अदा करेंगे, पहले 1 था अब 2%, और पहले फाइलर के लिए, और पहले 2 था अब 5% प्रपोज रहे नॉन फाइलर के लिए, ताकि क्योंकि गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि नॉन फाइलर प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करे वो इस पैसे को और कहीं बेहतर तरीके से लगा सकता है। एक तो चीज़ इसके अंदर ये कि ये भी प्रपोज्ड है, डेफिनेटली हमने इससे पहले वाले जो बजट्स इस तरीके से आए हुए उसके अंदर देखा है कि फिर जो ये रियल स्टेट की बॉडीज़ होती हैं ये इंगेज करके इसको नेगोशिएट करके इन मामलों को नीचे ले आते हैं, तो वो एग्जैक्ट फिगर तो अभी हमें नहीं पता, बट ये चीज़ इसकी श्योरिटी है कि डेफिनेटली जो पुराने टैक्सेस थे उससे ये टैक्सेस ज़्यादा होंगे, तो इसके जो असरात हैं वो किस किस जगह के ऊपर सेक्टर के ऊपर पड़ेंगे और आगे किस तरीके से बढ़ सकते हैं हम इन चीज़ों से। देखिए, इस तरह का प्रपोजल हमने इससे पहले 2013 के अंदर सेम गवर्नमेंट से देखा, यानी 13 के बाद जो खास तौर पे बजट आया तो इसहाक डार साहब ने इस तरह का बजट प्रेजेंट किया था कि गेन टैक्स 10%, 6%, 4% होगा, ये बिल्कुल सेम उसी तरह का है, लेकिन इसके ऊपर भी ये होगा कि मार्केट के रियल्टर्स, उनकी फेडरेशन सब निकल के इनसे बातचीत करेंगे और धरने करेंगे, लोग भी डेफिनेटली, एक रियल स्टेट मार्केट चल रही होती है, बहुत सारे लोग उससे रिस्क हासिल कर रहे होते हैं, तो वो सब लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे, गवर्नमेंट के आगे एहतजाज करेंगे, तो कोई ना कोई इसके ऊपर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इससे शायद बहुत कम हो जाए, लेकिन अगर ये यही रहता है तो ये तारीख का सबसे बड़ा टैक्स होगा रियल एस्टेट के ऊपर, और इतना बड़े टैक्स का मतलब ये है कि जो के फिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी खरीदो फरोख्त बंद हो जाएगी, पहले 2-3-4 सालों में बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। 15% टैक्स बहुत बड़ी अमाउंट होती है, अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की वर्थ रखती है, डीसी वैल्यू, मुमकिन है आपकी प्रॉपर्टी 3 करोड़ रुपए की वर्थ हो, लेकिन 1 करोड़ रुपए डीसी वैल्यू रखती है, 15 लाख रुपए उसके ऊपर टैक्सेबल अमाउंट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, और मेरा यह ख्याल है कि 15 लाख रुपए टैक्स देने से बेहतर यह है कि 2 प्लॉट्स लेने के बजाय एक बंदा होंडा सिटी गाड़ी ले ले और उसी के अंदर गुजर बसर अपना कर ले, तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये रियल स्टेट को बहुत बड़ा धचका लगेगा इससे, और इसी तरीके से एडवांस टैक्स और को भी एक्सपेंसिव करना बहुत ज्यादा है। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स आमतौर पे लोग, जैसे जितना भी ओवरसीज पाकिस्तानी है, सारे पाकिस्तान के अंदर फाइलिंग नहीं कर रहे होते, तो वो नॉन फाइलर्स ही होते हैं और पाकिस्तान के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और उससे ग्रोथ हासिल कर, इन्वेस्टमेंट्स में ग्रोथ हासिल करते हैं, रियल इस्टेट को उससे फ़ायदा होता है, तो लोगों को इधर काफ़ी नुकसान होने वाला है। अच्छा साहब जी, इसके अगेंस्ट फिर क्या किया जाए, रास्ता क्या है, क्योंकि देखिए इन्वेस्टर्स ने तो उनकी यहाँ से रोज़ी रोटी होती है और जो रियल स्टेट का काम कर रहे होते हैं उन्हीं का भी इसी सेक्टर से जो है वो सारी रोज़ी रोटी चल रही होती है। इन टैक्सेस की वजह से ऐसा तो मेरे ख्याल से हमें देखने को नहीं मिला कि कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं होती, ट्रांजैक्शंस तो हो रही होती हैं बट वो ट्रांजैक्शंस का जो नंबर है वो कम हो जाता है और उसी वजह से बिज़नेस भी जो है वो हमें कम नज़र आते हैं, तो इसके अंदर रास्ता क्या है, मतलब किस तरफ जो इन्वेस्टर्स हैं वो अप्रोच करें इस मार्केट के अंदर, उनका क्या बिहेवियर होना चाहिए ये बताएं। देखिए, वंस अगेन मैं अगर हिस्ट्री से इसको लेके जाऊं कि मार्केट जब इस तरीके के टैक्सेस पहले लग गए थे, कम होने के बावजूद मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी और मार्केट में लोग क्योंकि इतना घबरा गए थे नई गवर्नमेंट से या नई गवर्नमेंट के टैक्सेस से कि उन्होंने या तो छोटे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट किया। अगर इसी दौर की आप बात करें तो इस दौर के अंदर मार्केट में आपने एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट आते हुए देखा, कैपिटल स्मार्ट सिटी, फिर इसी दौर के अंदर आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी और इस तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे मॉल्स, सैकड़ों मॉल्स बन रहे हैं पिंडी इस्लामाबाद में, डेफिनेटली कराची लाहौर में भी बन रहे होंगे मॉल्स, अपार्टमेंट्स और इस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स नज़र आती हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसके अंदर मेरे पास थोड़ा सा तज़िया है कि अगर एंड यूज़र इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट के लिए उसको न्यू प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि जो कि इंस्टॉलमेंट बेस्ड हैं, वो इसको इन्वेस्ट करेगा तो उसको फायदा होगा, अपनी प्रॉपर्टी जो उसके पास है वो उसको होल्ड करके रखेगा, क्योंकि इस टाइम पे अगर इतना ज्यादा टैक्स देना है तो कोई ग्रोथ ही नहीं आपको मिलने वाली, आपने 2-3 साल भी होल्ड किया तो आपको उसके अंदर कोई जो ग्रोथ है वो टैक्स में चली जाएगी। फिर आप या तो छोटी मोटी ट्रेडिंग करें या फिर ट्रेडिंग सिर्फ तब करें जब आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा फंसे हुए हों, आपके आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। अब मैं आ जाता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ऊपर। ओवरसीज़ पाकिस्तानी को के लिए ये बहुत बेहतरीन टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। इस टाइम के ऊपर मार्केट्स बिल्कुल स्लो हो जाती हैं, आप खरीद तो
जो खरीद रहे हैं खरीदारी के ऊपर तो आपको थोड़ा बहुत एडवांस टैक्स ही देना है, बेच तो आप इसको रहे नहीं है। डॉलर बहुत महंगे से महंगा हो रहा है, 204 रुपए का आज चल रहा है, तो उस हिसाब से आप पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आप पाउंड्स और डॉलर्स में कमाते हैं तो बाइंग पावर आपकी जबरदस्त है। या फिर आपके पास जो प्रॉपर्टीज है पाकिस्तान में आप उसको होल्ड कर लें और उसको फिलहाल होल्ड करके बैठ जाएं टिल द टाइम के कोई बेहतर टाइम आ जाए। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 से 1.5 साल में कोई नई गवर्नमेंट आ जाएगी, यही रहे तो अल्लाह ही हाफिज है, कोई नया आ गए तो मुमकिन है कि बेहतरी हो जाए। आप ओपन सर्टिफिकेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें या न्यू ऑप्शंस और इंस्टॉलमेंट बेस्ड हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अब मैं इन्वेस्टर्स के ऊपर अपडेट करता हूं आपको। वो इन्वेस्टर जिसके पास बेशुमार पैसा है, जो ज्यादा बड़े पैसे में खेल रहा था, 10 करोड़, 15 करोड़, 1 अरब, 2 अरब, इस तरीके के इन्वेस्टर मार्केट में अपने नए प्रोजेक्ट शुरू करें, और आप सर्वाइव भी इसी तरीके से कर सकते हैं। आप अपने नए नए प्रोजेक्ट्स करें, इंस्टॉलमेंट बेस्ड लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको सस्टेनेबिलिटी मिलेगी 4-5 सालों के लिए या 10 सालों के लिए। ओके, छोटा इन्वेस्टर को ये चाहिए कि वो ओपन फाइलों के अंदर ट्रेडिंग करें, ओपन फाइलों के अंदर या छोटी प्रॉपर्टी के अंदर ट्रेड करेंगे या फिर छोटी हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर ट्रेडिंग करेंगे तो वो सस्टेन कर सकेंगे इस मुश्किल टाइम को। डीलर्स एंड रियल्टर्स, अब डीलर एंड रियल्टर को दुनिया भर माफिया समझ रही होती है, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसमें 90-95% बहुत एवरेज लोग होते हैं जो डे टू डे अर्निंग के लिए, जिनको कहीं और नौकरी नहीं मिल रही होती, जो कि बहुत एट टाइम्स कम पढ़े लिखे होते हैं, कोई नौकरी नहीं दे रहा होता और कुछ ऑफिस बॉय से रियल्टर्स बन जाते हैं, तो ये वो लोग, ये कोई माफिया नहीं है। ज़्यादातर 95% लोग माफिया नहीं है, बेचारे अपनी डे टू डे अर्निंग करने के लिए आए हुए होते हैं। तो ये लोग अगर इस मुश्किल टाइम के अंदर इस मार्केट के अंदर रह जाते हैं और आपको कोई और नौकरियां नहीं दे रहा और वैसे भी मुल्क के हालात ख़राब हैं, तो आप नई हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर काम करें, लो बजट हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर जिसकी डाउन पेमेंट 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए है। यानी इस तरह की इन्वेस्टमेंट जब लोग करेंगे तो आपको उससे रिबेट मिलेगा और रिबेट आपके घर के अखराजात को ज़रूर चलाएगा। या फिर अगर बहुत ही मुश्किल हो जाए आपका सर्वाइवल मार्केट के अंदर, आपने अगर कोई दफ्तर खोला हुआ था इस अच्छे टाइम के अंदर और आप अब उस दफ्तर के रेंट नहीं अदा कर पा रहे या ऑफिस बॉय को अदा नहीं कर पा रहे या बिल्कुल सस्टेनेबिलिटी आपकी नहीं है, तो आप किसी बड़े दफ्तर को, बड़े ग्रुप को ज्वाइन करें एज अ मार्केटिंग एजेंट, क्योंकि जो कोर मार्केट का एक्सपीरियंस तुम्हारे पास है वो किसी और के पास नहीं है। तो आप किसी बड़ी फर्म को ज्वाइन करेंगे तो आप उनके लिए सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साथ में? लाइक शेयर सब्सक्राइब। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो के रिसेप्शन के अंदर मेंशन होंगी, फेसबुक पेज और इंस्टा के पेज भी होगा, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।